मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love हमारे को देख के सांप क्यों सूंघ गया सबको अरे ओ बैठ जा आराम से आ गया हूँ क्या कह रहे थे कट्टो आपकी छोटी भाभी है कट्टो यहाँ पे तो छत भी नहीं है जो तेरी इन बातों से गिर जाए और उधर ही ठेला लगा जहाँ जुगनू ने लगाया वहीं बेच खड़ा होकर जगह उसने बनाई मजे तू ले तुम्हारे लिए रोल निकाला है दो दिन से फोन कर रहा हूँ अब मुझे बताओ कि कल शूटिंग क्या हाँ बता तो सही ना तू क्या करेगा उसका अरे छले के बिल्कुल सामने ना समोसा का चटनी लगाकर तेरी छाती में मूंग धरूंगा मगर अब किस बहाने से जाऊं ये समझ नहीं आ रहा ना आइडिया आपने क्या कह रहा था उस दिन जी आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं हम बेसिकली यहाँ पे कल एक ऑडिशंस कर रहे हैं नए चेहरों के तो हमें कुछ सेटिंग्स करनी है अपनी तो प्लीज काइंडली जरा ये पीछे वेट कर लें हमारा मगर वो आपके जो साथ वाले भाई थे उन्होंने बोला ना इधर बैठ के इंतजार कर लूं मैं जी बेसिकली आप वहाँ वेट कर लीजिए मेकअप में असल में कल हमारे यहाँ पे नए चोरों के कुछ ऑडिशंस होने हैं उसकी वजह से हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है लाइटिंग करनी है तो इसलिए प्लीज आप जरा जाके मेकअप में वेट कर लें मैं कल ऑडिशन देने के बहाने जाऊंगी कुछ चलता है तेरा दिमाग कट्टो अरे भाई ये रक्षा वालों का भी कुछ समझ नहीं आती है तुझे तो पता है ना डेढ़ बज गया तो डबल पैसे मांग रहा था और सुझ भैंस के अंदर दे रहा मैं बेटा एक नई दुकान खोलने के चक्कर में दुकान खोलने के लिए माल चाहिए और माल के लिए पैसा चाहिए बस इन दोनों का इंतजाम करने के लिए गया हुआ था तब देर हो गई हाँ खोल रहे नहीं दुकान कहीं ना कहीं तो खोल ही लेंगे अभी तो मिली नहीं है ये बता कि मुगले आजम को कुछ पता चला भाई क्या हो गया इंतकाल कर गए क्या अरे मेरी तरफ से तो पहले का मरा हुआ था मैं पूछ रहा हूँ अस्पताल से घर आया कि नहीं कहाँ उल्टा अम्मा जो तीमारदारी करने के लिए गई है अब्बा की तरफ तो मैडम अनारकली को तो और फुर्सत मिल गई है खैर छोड़े अब्बा हमें क्या बता मैं खाना लगाऊं आप नहीं नहीं वो खाना होटल में खा लिया हुआ था तू रहने तू जा जाके सो जा और सुन सुबह भी जल्दी ना उठियो मैं जल्दी निकलना है जल्दी तो मुझे भी निकलना है तू कहाँ जाएगी वो हुमायूं ने अपने ऑफिस बुलाया है अच्छा मेरा ख्याल है बात आगे चलाने के इरादे हैं क्या पता अरे तो हुमायूं ही जाने कोई खास बात होगी तभी बुलाया है अल्लाह करे आखिर एक ना एक दिन तो तूने उसके यहाँ जाना ही है ना तो पापा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रुखसत होकर जा रही हूँ सुबह में मेरी तो दुआ है बेटा अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे भाग चमके तेरे अब्बा मेरी बात मानो पहले ना तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि अनारकली फारिग घूम रही है सुनगुन लेगी कि उसके अब्बा को किसने पिटवाया और किसने उन्हें फोन किया है मेरी बातें सुन ना तेरे पेट में कुछ हुआ है मैं वॉशरूम सो गया तू जा जाके सो जा जब भी मुगले आजम का नाम सुनते बाथरूम याद आ जाता है ये तीनों कमबख्ती मारे तो अभी तक सोए पड़े हैं चलो भूख लग रही है
इसमें जरूर कुछ होगा। हाँ, ये तो जरूर मंजला लाया होगा। ये औरत तो कभी कुछ भूलती नहीं। ठीक, फिर मैं चाय बनाती हूँ। कम चर्बी वाला गोश्त खाया कर, तुमने इतना वजन क्यों बढ़ा लिया? तारी कुर्सी उधर पड़ी है, तू इधर क्या कर रही है? बेटा क्या पता चले मेरे को, आज तुमने शाही सवारी जब आया ना तो मेरे को कुछ पता ना होवे, अच्छा वो चला जाए तो मैं गिर जाऊं। एक तो थारे तुम तेरे साले परेशान कर रखा, ये सुसरा किसी इंसानी रूप में मिल जाए इसका पेट फाड़ दूंगा मैं। अरे नहीं बेटा ऐसा ना बोल, पता नहीं कौन सी नेक बुजुर्ग रूह है बुरा मान जाएगी। वो जुगनू तो सारा दिन बेइज्जती करे है, उसे तो कुछ ना के मारा का खाड़ लेगा। अच्छा छोड़ ना, अब उठा के मुझे कुर्सी पे बिठा दे। ठहर जा, मेरे गेड़े की बस की गेम नहीं है तू, मैं सल्लू को लेके आता हूँ, ठहर जा। ओ सल्लू, अबे कौन है? अरे बस मैं सीबी से ताला फाड़ लगूं, बाहर आ जा। अबे उठ जा। अबे देहाती पे को नॉक कर रहा है? तो चल मेरे साथ, फुफो गिर गई है। मर गई क्या? अरे बावर्ची खाने के सामने गिरी पड़ी है, उसे उठाना है, चल मेरे साथ। अरे मेरी तो ख्वाहिश है तू मैं और जुगनू भाई फुफो को उठाएं, लेकिन वो है वो तो जिए ही जा रही, कहां हमारी ख्वाहिश पूरी होगी? सलू बुरी बात है, बुजुर्गों को ऐसे नहीं कहते हैं। देख बड़े कह गए बुजुर्गों का साया सर पे हो गए तो। अबे ओ देहाती, ये अपना लेक्चर बंद कर, जा जाके जुगनू भाई को उठा ले। वो जोरू का गुलाम सो रहा है, तू चल मेरे साथ। अरे तुझे कितनी नेकियों की पड़ी हुई है, बोल रहा है चल मेरे साथ, चल। कहाँ है? फुफो इधर ही छोड़ के गया था, इधर चल गई। अल्लाह करे फुफो को जिन्नात ही ले गए हो, ये जो पूरे मोहल्ले में तुंतना चुंतना कहती घूमती फिरती ना, मोहल्ले वालों की जान छूटे इससे। इनसे उठा दिया, कहां से आ गया? जब तक घर में रहता था सुकून था, चैन से सोते तो थे। मगर मेरे बाल खींचे हुए तो मेरी वेग उतर नहीं जाएगी। हाँ कैसे होती है एक्टिंग में? चलो आप देखो मैं कैसे करती हूँ, हैरान जाऊंगी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करूँगी। अम्मी मेरे तो अम्मी थी बोल लिए थे तो। मैं ख्वाब में अम्मी को देखती थी। क्या कह रही हो, थोड़ा बोलते बोलो तो। वो ना रात में मेरे सर पर ऑडिशन का भूत सवार था, तो बस पूरी रात ख्वाब देख रही थी मैं, तो अम्मी आई थी ख्वाब में, मैं सभी भी अम्मी को ही देख रही थी। अरे ये तो मैंने तभी पूछा ही नहीं तुमसे कि तुम्हारी अम्मी जिंदा है कि नहीं। जिंदा होती तो ख्वाब में आती क्या अम्मी नजर? कोई नहीं जिंदा भी नजर आते हैं। देते मेरे अब्बा ने तंदूर लगाना तोल दिया, मदल अभी भी मुझे ताप में नजर आता है। देते मेरे अब्बा तंदूर में लोतियां लगा ले और मुझे मार ले, उन तदा के तोल पर मुझे उतागल तंदूर में पेट दिया है। कभी कभी तो मेरा भी दिल यही चाहता है हुमायूं। क्या तुम भी मुझे तंदूर में पेटना चाहती हो? अच्छा सुनो हुमायूं, अभी ना मुझे ड्रामे के ऑडिशन के लिए जाना चाहिए, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी रखती हूँ फोन, नाश्ता वाश्ता बनाना है, तो रात में बात करते हैं। अरे सुनो सुनो, बात तो सुनो। क्या है ये ड्रामे के ऑडिशन क्या मतलब?
सही काम तो करो हुमायूं, तुम ना मुझे अभी एक मैसेज करो जरा कि 2 बजे मुझसे मिलने ऑफिस आओ। अरे मेला तो ऑफिस है ही नहीं, मेला तो ताल ताना है ततो। अच्छा तुम ये लिखो कि 2 बजे मुझसे मिलने आओ। मतलब 2 बजे तो मेले ताल ताने में थे ताद आता है। अबे मैं तुमसे तुम्हारे कारखाने मिलने नहीं आऊंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारा मैसेज अपनी दोस्त को दिखाना है। क्या है ना मुझे थोड़ा टेंशन मारना, मैं तुम्हें याद बताया था कि वो अब लड़कियाँ अपने दोस्तों के नाम से जो छेड़ती हैं और बताती हैं टेंशन मारती, याद आया? आता आता चल ठीक है, टेंशन मार ले ना तो फिर भेज देता हूँ मैसेज, बोला ना भेजता मैं तेरे। तो और वो मेरे तो वो भी बताओ, वो जो ड्रामे थे और ईतन से तुम बात कर रही थी ना, वो याद अतल है? मैं तुमको रात को बताती हूँ, सही है? अभी रखो फोन, खुदा हाफिज। चल तेली मल्दी तही है ओते, जल्दी मैसेज करो। अच्छा सुबह हो गई, आज तो मेरा पहला दिन है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। हाँ जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाती हूँ। ठंडा ठार बलूदा, गर्मा गर्म कचौरी, गर्मा गर्म समोसा। अबे ठंडा ठार बलूदा, गर्मा गर्म कचौरी, गर्मा गर्म समोसा। अबे तू तो वाकई आ गया मेरी छाती पे मूंग तलने। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, जो कहूंगा वो करूंगा जरूर। अबे तुझे पूरे इलाके में यही जगह मिली थी ठेला लगाने को, तो जो कहेंगे वो करेंगे ना। भाई मैं ना लगाने दूंगा तुझे ठेला यहाँ पे, चल। सारे मना करने से तो मैं ना जाने वाला, कर ले दंगल, जो जीतता वो लगाएगा ठेला। अब लगा ले तू यही ठेला लगा ले भाई, जिसमें ज्यादा दम होगा ना उसी की ज्यादा बिक्री होगी। फलूदा मेरा ठंडा डाल रे, गर्मा गर्म कचौरी। अबे फलूदा मेरा ठंडा, गर्मा गर्म कचौरी, गर्मा गर्म फलूदा मेरा ठंडा डाल रे। हाय नीलो बाजी, तुम? हाँ, पर तू सुबह सुबह और वो भी इतना बन ठन के कहाँ जा रही है? मैं तो हुमायूं सईद के ऑफिस जा रही हूँ ना, बुलाया है उन्होंने मुझे, मगर तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? तुझे नहीं पता, आज तो मेरी शूटिंग है ना, शूटिंग वहीं जा रही हूँ। तुम्हारी शूटिंग कौन सी? वैसे अभी सेट पे जाने का तो 2 बजे का टाइम है और अभी बज रहे 12, पूरे 2 घंटे मेरे पास। ऐसा करती हूँ तेरे साथ ना हुमायूं सईद के ऑफिस चलती हूँ, ठीक है? क्या सोच रही है, चलना दोनों बहनें मिलके हुमायूं सईद के ऑफिस चलते हैं। मुझे काम याद आ गया, मैं भूल गई काम करना, मैं अभी नहीं, बाद में जाऊंगी, आप जाओ। चल झूठी, हमेशा यही करती है, गली में कोई भी नहीं है और किसको बताऊं कि मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। अरे वो रिक्शा भी आ गया, ए रिक्शे वाले। भाई गुल्लू का घर कहाँ है? तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसका घर? हाँ भाई गली में तो पहुंच गया हूँ। वो कोई आसपास है तो मेरी बात करा, वो तुझे मेरा घर बता देगा। ये ले बाजी बात करें। अरे पता नहीं कौन है, मैं क्यों बात करूँ? गुल्लू ट्रक ड्राइवर का फोन है, ये बात करिए। गुल्लू का फोन है? हेलो, वो तू नीलोफर बोल रही है? हाँ गुल्लू, ये रिक्शे वाले के पास तुम्हारा फोन क्यों है? और मैं तुझे समझाता हूँ, तू ऐसा कर 2-4 अच्छे से जोड़े रख और रिक्शे वाले के साथ बैठ और सीधा स्टेशन पहुँच जा। मगर क्यों? ओहो वो जो मेरी गड्डी का मालिक है ना, 2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है, तो उससे मैंने उसके घर की चाबी ले ली है। पर क्यों ली है चाबी? वो क्यों क्या, वो अब 1-2 हफ्ते तू मेरे साथ रहेगी, तू 2-4 अपने अच्छे अच्छे जोड़े ले और रिक्शे में बैठ के सीधी आ जा। नहीं ना गुल्लू, आज तो मेरी शूटिंग है और तुझे पता है इतने मुश्किलों से रोल मिला है मुझे। ओ खड्डे में डाल शूटिंग को, ओ मेरे प्यार पे ट्रक ना चला। बस जल्दी जल्दी चीजें ले और सीधा रक्षे में बैठ, अभी 1 बजे वाली गाड़ी का टिकट कराया तेरा। ओ बात सुन, ओ रिक्वेस्ट के पहले गियर में ही चले आ, नहीं तो हुक्म का 4था गियर लगा दूंगा। ठीक है तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लो
कुछ कपड़े और सामान लेकर आती हूँ, रुकना यहीं पे, जाना नहीं। गुड़िया तो बड़ी मस्त हुई आज। फिटी घड़ी लाल लगाम, उम्र देखो, उसके गाने देखो। क्या मेरी अम्मा की शादी हो रही जो बड़ा लपक लपक के गाने गा रही हो? आए इस वक्त तुम तो ना शाह की सवारी आ जाती ना, तो मैं तो गाने के साथ साथ उठ के नाचने भी लग जाती। हाँ, और जहाँ तक तेरी अम्मा की शादी की बात है ना, तो उसके लिए तो मैं बहुत ही पछता रही हूँ। पूछो क्यों? इसलिए कि ना उसकी शादी होती और ना तुम पैदा होती। देखो पुप्पो, अब तुम ओवर हो रही हो, कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। क्या कर लेगी तुम मेरा है? तू और तेरा मियां तो मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और अब तो आ गया है मंजला, हशर करेगा तुम्हारा। मंजले का डर पड़ा है कोई है? वो कौन सी कोई तोप चीज है? वो तो वक्त बताएगा। वैसे एक बात है, फूट तो तुमने डलवाई इन दोनों के दरमियान, वरना मंजले और जुगनू में तो बड़ी मोहब्बत थी। गर्मा गर्म समोसा, गर्मा गर्म कचौरी। अबे छोटे बात सुन जरा। अबे यार मोबाइल तो पतले वाला है, पर साउंड सिस्टम इससे बड़ा फिट लगा। गर्मा गर्म समोसा, गर्मा गर्म कचौरी। जब से ये आया मैं आवाज लगाता हूँ तो मेरी आवाज में ना कुछ हो रहा है यार, दब सी गई आवाज मेरी, खांसी हो रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। अबे काम कर, तू ऐसा कर कबाड़ी की दुकान पे जा, वहां से जाके ना एक पुराना सा लाउड स्पीकर ले आ, एक बार खा लेगा तो सारे दिन में भूख नहीं लगेगी। जा मेरा बच्चा निकल ले, पतली गली से निकल ले। हाँ, येड़े, का? जारे का दा। अब चीख के दिखा बेटा, तुझे बताऊंगा मैं। फालूदा! आने दे लाउड स्पीकर। अभी बर्फ डाली है येड़े। हाँ हाँ गुलरंग, क्या हुआ? क्या नीलोफर सेट पे नहीं पहुंची? अच्छा अच्छा, मैं बात करता हूँ, ये बताता हूँ। पागल लड़की, क्या करूं, आज तो मैं शूट पे जा ही नहीं सकती, बताना भी तो जरूरी है, अगर नहीं बताऊंगी तो हर जगह बात फैल जाएगी और फिर मुझे कोई काम भी नहीं देगा। समझ ही नहीं आ रहा ना, इतने मुश्किल से ये इतना अच्छा रोल मिला था। शर्ती का फोन, उठाऊं या नहीं? हाँ बताना तो पड़ेगा। हेलो। हाँ नीलोफर, कहाँ हो तुम? ओ तुम अब तक सेट पे नहीं पहुंची, ओ मेकअप भी होना है वहां पर। वो शदी क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो ना मैं आ नहीं सकती। क्या मतलब नहीं आ सकती? तू पागल हो गई है क्या, या मुझसे मजाक कर रही है? अरे नहीं, मजाक नहीं कर रही। अरे वो गुल्लू का फोन आ गया ना, तुम्हारी कसम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप फिर आ गई, पहले मुझे इतनी डांट पड़वा के आपको चैन नहीं आया? आप देख लें, हुमायूं सईद ने खुद मुझे मैसेज किया, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, रुके आप। लेकिन इस बार में पहले मैं पूछ के फिर आपको बताता। नहीं नहीं, आप एक मिनट, मैं अपना मोबाइल फोन तो भूल ही आई रिक्शे में, मैं अभी आती हूँ, आप फिर करिएगा। ये तो चौकीदार काम और मौत का फरिश्ता ज्यादा लग रहा है। ये सब कहाँ जा रहे?
बिजी होते ही ना मैं चल जाऊंगी अंदर। सर हम लोग ऑडिशन के लिए ऑडिशन। यही वजह नीलो जो मैं तुझे रोल नहीं दिलवा रहा था। मजाक समझा हुआ है? अभी तो तुम स्ट्रगलर हो। बड़ी बड़ी हीरोइनों की गैर जिम्मेदारी की वजह से उनको प्रोडक्शन हाउस अपने प्रोजेक्ट से निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? नीलो अब तू मुझे बता कि 11th आवर पर मैं किसको अरेंज करूं? तुझे मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही? शादी अब मैं क्या करूं? वो मेरा शौहर है, क्या मैं उसकी बात नहीं मानूं? अच्छा तो अब सब कुछ तेरा शौहर हो गया, मेरी इज्जत कुछ भी नहीं है। उस दिन तू बजमी हाउस में आके तूने मेरी इज्जत दो कोड़ी की कर दी, इतनी बातें सुनाई थी, ताल्लुक तोड़ दी। ताल्लुक टूटने का इतना दुख हुआ तुम्हें क्या? हाँ बहुत दुख हुआ, क्योंकि नीलो नीलो मैं तुझसे प्यार जो करने लगा। क्या प्यार? शदी मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए कुछ किए बगैर ना मैं फोन बंद कर। प्यार प्यार दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। डायलॉग भूल गई हूँ, आप थोड़ा सा बोल देंगे? भाई आप डायलॉग बोलेंगे जब मेरे मुकाबिल होते हो, गोया दिल के झरोखों में झांकने लगता है, वैसे तो मुंह मोड़ लेती हैं। कौन? भूरी का घर ये? हाँ लेकिन आप कौन? फलूदा ठंडा ठार, फलूदा फलूदा। भाई साहब 8 कचोरी दे देना, पार्सल गरम देना। अभी हमारा माल तो खत्म हो गया अल्लाह के करम से, समोसे भी बिक गए और कचौरियां भी बिक गई। ये है तो यही पार्सल कर दो। भैया ये तोहफा है किसी के लिए, बोला खत्म हो गई तो खत्म हो गई। क्या इतनी दूर से तो मैं आया हूँ, चल गई, इतनी जल्दी खत्म हो गई? हाँ मजरे का माल जल्दी खत्म हो जाता है। अब जब गला फाड़ फाड़ के चीखेगा तो तेरा ही माल बिकेगा ना? अब भैया मैं तो सिर्फ गले से चीखूं, तूने तो लाउड स्पीकर मंगवा लिया, अब तेरे को गले से बोलने में कायली हो गए तो मैं क्या करूँ? कायली नहीं है तू, मेरे कस्टमर तोड़ रहा है। भैया थारा मारा का मुकाबला, थारा माल ठंडा मारा माल गरम, मैं थारे कस्टमर काय को तोड़ रहा हूँ? अबे तू बोलता नहीं है, आओ पेट भर लो, फलूदे से कहाँ पेट भरता है। हाँ तो इसमें झूठ का है? और जो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो उनको नहीं बोलता तेरे पास पानी भी है, वो भी ठंडा पानी। भैया ये माल बेचने के गुण हुए, तूने भी तो लाउड स्पीकर मंगवा लिया, मैंने कुछ कहा? अबे तू माल बेचने के हथकंडे लेकर मेरे ग्राहकों को वरगला क्यों रहा है? मैंने कब वरगलाया तेरे ग्राहकों को? अबे तू सुबह से नहीं बोल रहा कि इसके शरबत में सकरीन है, गला खराब हो जाएगा, और अभी जो अभी तेरे पास से गाग गया है तूने उसको बोला शाम का टाइम है, ठंडा टाइम है, अभी मत खाओ तबीयत खराब हो जाएगी, बोला नहीं तूने? रजू झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने अगर ऐसा बोला हो तो रोजी के अड्डे पे खड़ा हूँ, यहीं पे गरक हो जाऊँ। चल तेरा माल खत्म हो गया ना, निकल शाबाश, चल शाबाश यहाँ से निकल। हाँ तू लड़ाई खत्म करेगा तो जाऊंगा ना। अबे तेरे और सल्लू जैसे भाइयों से बेहतर था मैं माँ बाप का अकेलौता बच्चा होता। तेरे जैसे भाई होने से बेहतर था कि क्या 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 बोल 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 बोल। चल हट, जाने दे जाने दे, चल तेरा माल खत्म हो गया ना, चल शाबाश निकल। रंजीत है अब तो मैं 4 कचौरी और बेच के जाऊंगा। अबे कहाँ कचौरी बेचेगा तू? गरम गरम कचौरी, गर्मा गर्म समोसा। अबे भाई ये झूठ बोल रहा है, इसके बाद सारा माल खत्म हो गया, झूठ बोल रहा है ये। गर्मा गर्म कचौरी, गर्मा गर्म समोसा, ला पाक की कसम ये झूठ बोल रहा है, खत्म हो गया, इसके बाद माल फलूदा बड़ा मेरे पास, फलूदा ले लो फलूदा। ये और बढ़ा रहा हूँ, 4 कचौरियाँ बस, 4 रह गई। सामने दीवार की तरफ हमने कैमरा लगा, वहाँ पे लाइट देखी तो हम वहीं पे बैठ के करेंगे, और लोगों को स्क्रिप्ट दे दो जिस तरीके से काम करना है, और फिर सर मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आने के बाद कौन पूछता है कि अंदर आ जाए? सर वो आप कल कह रहे थे ना कि आज अच्छे चेहरे वालों को ऑडिशन है, तो मैं वो ऑडिशन के लिए आई हूँ। आपको तो पता है कि मेरी अम्मी कितनी बड़ी अदाकारा थी। आप एक काम करें, आप जाएं जाके बाहर बैठें, अभी आपको लड़का स्क्रिप्ट देता है, उसके बाद हम ऑडिशन देते हैं, आप जो भी होता है आप चलें। ओके सर। दस तो मैं क्या कह रहा था, लाइट लगाओ और वहाँ पर कैमरा रखें और वहीं ऑडिशन करो। Done.
लगाओ। ये तो कराची आ गए, अभी क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ बोलिए। मैंने सोचा तारा शिकवा भी दूर कर दूं, तू सोच रही होगी कि मंजर हर जाए निकला, आके फोन तक नहीं किया। सही कह रहे हो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। तारे को सच बात बताऊं, मारा दिल भी कर रहे है तारे को देखने को, और फिर तारे को तोहफा भी तो देना है। तोहफा? हाँ बताया नहीं था तारे को कि मैं तारे लिए तोहफा लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस में जरा बिजी हूँ, शाम को जब घर जाऊंगी तुमको कॉल कर दूंगी, तुम घर ही आ जाना। चल ठीक है, खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। आयशा तुम्हें पता नहीं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम कट नेक्स्ट। 2 साल हो गए तुम्हारे इंतजार करते हुए। तुम अक्सर पूछती हो मैं तन्हा क्यों रहता हूँ, आज बता देता हूँ। अगर अब तुम मुझे कभी छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँ। जिस पल मैं तुम्हें देखता हूँ तुमसे बात करता हूँ। मर रहा हूँ किरण, खोल दरवाजा। I love you किरण। ओके डन, आ जाए आप भी आ जाए। पीछे के थोड़े से खड़े हैं, वो मार्क लगा हुआ पीछे हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा पीछे जी। देखिए अब मैं क्या आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, आपने एक फर्जी कैरेक्टर या किसी चीज़ के आगे खड़े होके, एक तस्वीर के आगे खड़े होके एक डायलॉग बोलना है जैसे आप अपने लवर को कुछ बोल रही हैं। ठीक है, वील डू इट। ओके जी, कैमरा ओके एक्शन। सर वो इतनी बड़ी लाइट मुंह पे लगा दी, मेरा मेकअप भूल जाएगा। अरे आप अपने डायलॉग्स बोलें। सर मैं वो डायलॉग भूल गई हूँ, आप थोड़ा सा बोल देंगे? भाई आप डायलॉग बोलेंगी, जब मेरे मुकाबिल होते हो गोया, दिल के झरोखों में झांकने लगता है, वैसे मुंह मोड़ लेती हैं और मेरा रोम रोम हसरतों से नाच उठता है। ठीक है चले जी एक्शन। सर जब तुमसे मैं मुकाबिल होती हूँ तो क्या होती है, तो पड़ोसने झांकने लगते हैं खिड़कियों से और कट। ये पड़ोसन दरवाजे कहाँ से आ गए? सर वो अच्छा कुछ नहीं, दोबारा से। अच्छा रोलिंग। जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो तो वहशतें मेरी हसरतों में बदल जाती हैं और दिल से याद आने लगती है और सर मुंह कौन मोड़ता है? सर आप देखे ना कि डायलॉग भी तो कितना मुश्किल है। ये तो आधा डायलॉग है बीबी, अभी आपको पूरा सेंटेंस बोलना है भाई। तो आप सर मुझे बता दें वो लाइनें भी, मैं आपको याद करके अभी सुनाती हूँ। देखें आप पूरा बता नहीं रहे। आप पहले 2 लाइनें तो याद करें, फिर उसके बाद आगे की लाइनें बोलेंगी ना आप। सर आप एक मर्तबा मुझे खाली बता दें लाइन क्या थी। भाई नहीं मेरी सुने, जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो गोया कि दिल के झरोखों से बाहर झांकने लगती है और वहशतें मोड़ मोड़ लेती हैं और मेरा रूम रूम नाचने लगता है। ठीक है ठीक है, अब आप देखें। ओके जी एक्शन। जब तुम मेरे सामने होते हो
तो झरोकों से तुम मुंह मोड़ लेते हो और मेरी इटली से दहशतें झांकने लगती हैं। इटली? इटली कहाँ से आ गया इसके बीच में? सर इटली और रोम एक ही तो बात है, आसपास ही तो है दोनों। अरे ये रूम वो रूम नहीं भाई, हसरतें दिल में जागने लगती हैं। आप पहले सही से बैठ के याद करें, फिर किसी और के साथ बाद में आइएगा। आइए कोई दूसरा है। अच्छा सर, डांटे तो नहीं, हर स्टार की अपनी इज्जत होती है। मंजिले, मेरा काम आज जल्दी खत्म हो गया तो मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। हाँ तो फिर? तो फिर आधे घंटे तक तुम मेरे घर आ जाना, मैं घर पहुँच जाऊँगा। हमारे को तारे घर का पता फरिश्ते बताएंगे का? मैं तुमको एड्रेस एसएमएस कर देती हूँ। चल ठीक है। सुन, तोपे के अलावा तारे लिए मैं चार कचौरियाँ मिला रहा हूँ। ज्यादा मोटी तो ना है ना तू, कवे तो और लता हूँ। मैं कचौरियाँ नहीं खाती, ऑयली होती है ना। क्या होती है? गंदी होती है, गंदी चीजें हैं ये, मैं नहीं खाती। तू मारे रिजक को गंदा कहे? क्या मैं नाता थारे घर? मैंने तुम्हारे रिजक को कब गंदा बोला? अभी तूने कचौरियों का गंदी चीज है तो मैं कचौरियों ही बेचू ना। नहीं नहीं, मैंने उनको गंदा नहीं बोला, कचौरियाँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम बस आ जाना, मैं निकल रही हूँ। पहले बोल कचौरियाँ गंदी ना हो और थारे को खानी पवेगी, काम मैं थारे घर आऊंगा। अच्छा बाबा, कचौरियाँ बहुत अच्छी चीज होती हैं, मैं खाऊंगी भी, तुम ले आना बस। हाँ अब खुश हूँ, अब आऊंगा थारे घर। ओके खुदा। सर मैं रेडी हूँ, सर मैं रेडी हूँ। एक मिनट, आप बैठ जाएं, आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं पहले। चले जी, सही से खड़ी हो पीछे अपने मार्क पे, चले। ओके जी, एक्शन। सर मैं वो रूम रूम को अंग अंग बोल दूं तो चलेगा? अच्छा लगेगा ज्यादा। बोल दें बस, डायलॉग सही बोल दें आप। ओके। जब तुम मेरे अंग अंग में नहीं, जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो तो मेरे अंग अंग से मेरी वहशतें मुंह मोड़ लेती हैं और मेरी हसरतों में झांकने लगती हैं। बीबी कट कट, क्या बोल रही हैं? तो सर ये तो आपने डायलॉग भी इतना मुश्किल लिख ली है, पता नहीं किस एड्रेस से लिखवाया है। बीबी आप जाएं, आप घर जाएं, आपके बस का बात नहीं है, आप पहले याद करें और फिर आइएगा। नहीं नहीं सर, बस एक एक लास्ट मौका दे दें, प्लीज प्लीज लास्ट मौका दे दें सर, अभी आप देखिए मैं कैसे करती हूँ। चलें, लास्ट टाइम है लेकिन ये। ओके चलें। ओके जी, एक्शन। सर वो मुकाबले पर कौन है? सुन रही हैं आप? सर अंग अंग नाचने लगता है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। सब लोगों ने सही बोला है, इनको मेरे बताने से 100 बार याद हो गया, आपको ना हो सका याद। अच्छा सर, मैं आपसे एक गुजारिश कर लूं प्लीज? जी सर, वो अगर आप है ना हुमायूं सईद को बुला लाए ना तो फिर मैं मेरी लाइनें देखिए आप फर निकलेंगी। कट प्लीज, आप याद करके आए, प्लीज याद करके आए। नेक्स्ट। भाई साहब बात सुनिए, आप बुरी हो गए, तुमके घर का पता का? मैं सामने रहा है। शुक्रिया शुक्रिया।
कौन? भूरी का घर ये? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं उसे बोलूं मंजरा है। सोनिया बेटा कौन है? भूरी बाजी, कोई मंजरा है। उसे अंदर ले आओ। अच्छा, आई। मंजले बुद्ध बने क्यों खड़े हो? आओ ना बैठो। सोनिया दो कप चाय बना दो और साथ में बिस्किट ले आना बच्चे। आओ ना मंजले बैठो ना। अरे को एक बात बोलूं? हाँ कहो। कारण हम भूरी नहीं होना चाहिए था, गोरी होना चाहिए था। वो क्यों? ना तो इतनी गोरी चिट्टी जुबा है। अच्छा, लेकिन जैसा हुलिया मैंने तुम्हारा अज्यूम किया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। का किया था? मेरा मतलब है जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और अच्छी खासी तो शक्ल है तुम्हारी, क्यों बिगाड़ा हुआ है खुद को? क्या मैंने कब बिगाड़ा हुआ है? अच्छा खासा तो हूँ। अच्छा चल ये ले तोहफा। हाउ स्वीट। क्या है ये? खुद देख लेना खोल के। जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो तो मुझे यूं लगता है कि मेरे रोम रोम में, मेरे अंग अंग में वहशतें बदल जाकर मुसर्रतें बन जाती हैं। कट कट मेरी माँ, कट। मेरी माँ मुझे माफ कर दें, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें प्लीज। सर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हुमायूं सईद को बुलाएं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं आपको कह रहा हूँ आप यहाँ से बाहर चली जाएं इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से धक्के देके बाहर निकालूं। सर एक तो मुश्किल है। आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं बुलाऊं किसी सिक्योरिटी को? बंद करो यार ये कैमरा, मैं जा रहा हूँ, बंद करो इस कैमरे को। गुड। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। ये बताओ तुम्हारा असल में नाम क्या है, क्योंकि ये तो तुम्हारा फर्जी नाम है ना मंझला। हमारा नाम अमरान है। क्या? अमरान। अमरान क्या होता है? अमरान होता है, एटलीस्ट तुम अपना नाम तो ठीक से लिया करो। यही तो बोलूं अमरान। नहीं मंजले, रान नहीं इमरान। मैं थाने से कोई नुरानी कहता ना पढ़ने आया। तारे को एक बात बोलू। तू ना बड़ी खूबसूरत है। हाँ अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो गोया। एक खींच के दूंगी ना, मेरा रूम रूम नाचने लगता है।